फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये होली वाले दिन का व्लॉग है, पर मैंने होली वाले दिन व्लॉग तो शूट कर लिया था, पर मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी, मुझे टाइम नहीं लगा था। अभी हम ये चाचा जी के प्लाट में आए हैं और यहाँ पे उन्होंने आलू उगाए थे, अभी हम आलू निकाल रहे हैं सब मिलके, उसके बाद हम होली खेलेंगे। और ये मैं आलू निकलवा रही हूँ और ये दीपक और सारे बच्चे हेल्प कर रहे हैं, और पीछे जोधा और पिंकी आपस में होली खेल रहे हैं, उसके बाद हम होली खेलेंगे। और ये दादी जी बैठी हैं, ये बता रही हैं ऐसे नहीं करना है, ख़राब करती हुई जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम आलू निकाले हैं, मुझे इतने अच्छे से निकालने नहीं आते। और ये पिंकी और जोधा मेरे चाचा की लड़की आपस में होली खेल रहे हैं और इनको पानी से डर लग रहा है। और अभी काम गेम कर दो और ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं इन सब की इकलौती भाभी हूँ, तो कभी पिंकी मेरे पीछे से पानी डाल देती है और कभी आयुष पीछे से पानी डाल देता है, मेरे को इन सब ने बिल्कुल पजल कर दिया है, मैं किसको मारूं। और हमारे इधर हरियाणा में ऐसे ही होली खेलते हैं, और मैं इनको ज़्यादा मार नहीं रही हूँ, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई बच्चा गिर ना जाए, उनको चोट ना लग जाए, पर सारे बच्चे बोल रहे हैं तुझे खेलना नहीं आता है, अच्छे से मार नहीं रही है हमको। और अभी मैं खेलूंगी पिंकी के साथ, और ये पिंकी ने मेरे अंदर पानी डाल दिया, फिर मैंने उसको अभी गुस्से में आके मार ही दिया, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी और ये बच्चे रुक नहीं रहे थे, बोल रहे थे जब तक हमें अच्छे से पीटेगी नहीं ना तब तक गेम फिनिश नहीं करेंगे। मैंने पिंकी को बहुत ज़्यादा मारा फिर, और मैंने बोला एक एक होली खेलो, नहीं तो सारे बच्चे मुझको पागल कर रहे थे, कभी कोई पीछे से टप पानी डाल रहा था, कभी कोई डाल रहा था, अब देखो ये तीनों एक साथ खेल रहे हैं मुझे। और नीचे कुछ पत्थर भी रखे हुए थे, कांटे भी रखे गिरे हुए थे, मैंने उनको उठाया साइड में किया, क्योंकि अगर बच्चों को चोट भी लग गई तो हमें ही देखना है। और हमने पूरे आलू ख़राब कर दिए हैं, अच्छा चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मारने वाली है। और ये बच्चे आपस में ही झगड़ा करने लग गए हैं, और ये मेरे छोटे वाले चाचा का लड़का है हिमांशु, अभी मैं इसके साथ थोड़ा प्ले करूँगी, उसके बाद हम जाएंगे घर। हरियाणा में होली सेंटर में पानी रख के और एक बंदा जो खेलने वाला है वो पानी डालेगा, और उसकी जो भाभी होती है वो उसको इस दुपट्टे का कोरडा बनाते हैं उसके साथ मारेगी, ऐसे खेलते हैं। आपकी इधर होली कैसे खेलते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये मेरे चाचा के बच्चे आपस में कलर लगा रहे हैं, इनका भी मैंने वीडियो शूट कर लिया, और इन कलर लगाते लगाते डुगू को आ गया गुस्सा, उसने अनन्या को पूरे फेस पे कलर लगा दिया है। अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ गुलाब जामुन, और हिमांशु कर रहा है वीडियो शूट। बच्चे बोल रहे हैं पहले हमें पीट दिया, अभी हमें कुछ बना के खिला, इसलिए मैं उनके लिए गुलाब जामुन बना रही हूँ। ये मेरे गुलाब जामुन बन के रेडी हो गए हैं, और हमारे गुलाब जामुन इतने सॉफ्ट बने थे, और इंदर हाफ से भी ज़्यादा बच्चों ने फिनिश कर दिया। अभी शाम का टाइम हो गया है, ये मम्मी बना रही है पिंकी के लिए चटनी, पिंकी को ये वाली चटनी बहुत ही पसंद है। और आपके इधर चटनी किस में बनाते हैं? हम तो चटनी कुंडी में बनाते हैं, और आपके इधर इसको क्या बोलते हैं, किसी किसी के इधर सिलवटे पे भी चटनी बनाते हैं। और पहले हमने चटनी को बिल्कुल मैश कर लिया, उसके बाद हमने इसमें पीस डाल दिए हैं मटर, और ये हमारी चटनी बनके हो गई है रेडी, चटनी मम्मी बना रही हैं। खाने में ये वाली चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है चपाती के साथ,
इसको ड्राई वाली चिल्ली से बनाया जाता है। और ये पापा जी सब्जी लेके आ गए हैं। झगड़ा कर रहे हो आप दादी मार देगी चाहती है उसके लिए हम हंस रहे हैं। और है? बोल रही लुक में लेके कुछ देर के लिए पर हम बोले दीपक और पिंकी आपस में कुछ खेल रहे हैं। जब हम बचपन में छोटे थे तो ये गेम खेलते थे और इलू इनको देख के बहुत ही खुश हो रही है। अभी हम घर जा रहे हैं चाचा जी के यहाँ पे। वहाँ पे हमने कुछ देर थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए खेला बैट बॉल और मेरे को बैट बॉल खेलना नहीं आता इतने अच्छे से और मैं बैट बॉल खेल रही हूँ और सारे बच्चे मुझ पर हंस रहे हैं। मैं खेल लूँगी वाला तो उसके बाद पिंकी की टर्न है। पिंकी मेरे से अच्छे से खेल रही है। अच्छो ये टर्न तो दे आयो और ये बच्चे लीव्स के साथ प्ले कर रहे हैं। बच्चों को लीव्स के साथ प्ले करना बहुत ही अच्छा लगता है। और इलू मुझे इधर हम खेल रही है। इसके साथ जी का प्लाट है और उधर से हमने एक दो टोमेटो लिए और एक टोमेटो इधर इलू रोज खा के जाती है। इलू को बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मैं कट कर रही हूँ भिंडी। आज हम भिंडी की सब्जी बनाएंगे। और ये मैंने और पिंकी झाड़ू निकाल रही हैं और थोड़ा सफाई कर रही हैं। आज सारे बच्चे घर पे ही थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कचरा कर दिया क्योंकि बैट बॉल खेल के आ गए हैं। अभी सुबह हो गई है। पिंकी खा रही है पराठे और दीपक चाय पी रहा है। और अभी हम पिंकी को छोड़ने के लिए जाएंगे। और ये दीपक पिंकी को नाल बांध रहा है क्योंकि पिंकी को नाल बांधना बहुत ही पसंद है। और देखो इसने कितना सारा नाल हाथ में लुटवा लिया है। तक ड्रॉप करेंगे उसके बाद पिंकी को चले जाएगी। ये दीपक बाइक लेने के लिए गया है। उसको बस स्टॉप तक छोड़ देगा उसके बाद उधर बस आ जाएगी। उसको आज जल्दी जाना है क्योंकि उसको जाते ही ऑफिस में जाना है और थोड़ा लेट हो गई है। और इलू पिंकी के लिए क्राई कर रही है। मैं सोच रही हूँ कि इधर तक ही पिंकी को छोड़ दूँ बाद में वो मेरे साथ आएगी नहीं वापस। पर इलू रुक नहीं रही है। अभी वो पिंकी के साथ थोड़ा खेल रही है और मैं उसको कोशिश कर रही हूँ पर वो आ नहीं रही है। किंगिन छोड़ क्या है? किंगिन छोड़ क्या है? अड़ता ही। और ये इलू मॉर्निंग से पिंकी के पीछे पीछे घूम रही है। उसको ना तो अच्छे से रेडी होने दिया और अभी वो उसके साथ जाने के लिए जिद कर रही है। हम उसको बाइक तक लेके जाएंगे उसके बाद उसको घर ले जाएंगे। और पिंकी बोल रही है इन सबको बाय कर दो तुम मेरे साथ ऑफिस में चलना मैं रख लूँगी तुझे। इलू ने भी मुझे बाय कर दिया है। अभी वो बाइक पे भी बैठने के लिए जिद कर रही है। पिंकी ने उसको थोड़ा दूर बाइक पे बैठाया। उसके बाद हम उसको घर पे लेके जा रहे हैं पर वो रुक नहीं रही है। फिर हमने पापा जी को बुलाया। पापा जी उसको बस स्टॉप पर लेके गए। वो रुक ही नहीं रही थी रोई जा रही थी। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।